अभिक्रियादर किसे कहते हैं? आज मैं आप लोग को अभिक्रिया दर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अभिक्रिया दर किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया है ए प्लस बी, किससे मान लीजिए बनता है सी प्लस डी, तो जो तीर का निशान उसके पीछे जो होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंस, अभिकारक या क्रियाकारक। तीर के निशान के आगे जो होगा उसको कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो जो अभिकारक होता है उसकी जो सांद्रण होती है उसमें हमेशा कमी होती है, जितनी सांद्रण होगी जैसे जैसे उत्पाद बनते जाएगा उसमें कमी आती जाएगी, और ये इधर अपोजिट होता है, उत्पादों की जो सांद्रण है उससे वृद्धि होती जाती है। तो अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर का अर्थ होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारकों की सांद्रण में कमी, और समय अंतराल का जो अनुपात होता है इसको कहते हैं अभिक्रिया दर। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रण में कमी और समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया दर कहते हैं, या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है अभिक्रिया दर बराबर किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, तो उत्पाद उत्पादों की सांद्रण में वृद्धि तथा समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया दर कहा जाता है। या ऐसा भी कहा जा सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है उनकी सांद्रण परिवर्तन होती है, तो जो परिवर्तन होता है वो और समय अंतराल दोनों का अनुपात अभिक्रिया दर कहलाता है। अर्थात अभिक्रिया दर बराबर रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो अभिक्रिया दर को हम तीन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इनका तीन सूत्र होता है, अभिकारकों की सांद्रण में कमी और समय अंतराल का अनुपात, उत्पादों की सांद्रण में वृद्धि और समय अंतराल का अनुपात, और तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रण में परिवर्तन और समय अंतराल का जो अनुपात होता है उसको अभिक्रिया दर कहा जाता है, और तीनों में से किसी भी एक का उपयोग किया जाता है।